प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को अब हल कर लेते हैं। तो प्रश्नावली 4.2 का जो पहला प्रश्न है वो है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों को हल करके हमें क्या निकालना है, उनके मूल मान निकालना है। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण के रूप में दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न हम हल कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसका हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो इसमें जो बीच वाला जो पद होता है, तो बीच वाला पद कौन सा है, यहाँ पे बीच वाला जो पद है, ये वाला बीच वाला पद है 3x। हम क्या करेंगे, इसी पद को दो हिस्सों में तोड़ेंगे। तो दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो हम इस पद को इस प्रकार से दो हिस्सों में तोड़ेंगे कि उन दोनों हिस्सों को जब तोड़ेंगे तो उन दोनों का गुणा करने पर कितना आना चाहिए मान, 10 आना चाहिए, और जोड़े और घटाने पर -3 आना चाहिए। तो अगर वो दो हिस्से हैं तो वो कौन कौन से दो मान हो सकते हैं, तो चलो देखो। तो ये 10 है, ठीक है, 10 को ध्यान में देते हुए हमें तोड़ना है। तो 10 जो है वो किस किस के पहाड़े में आता है, दो के पहाड़े में आता है, पांच के पहाड़े में आता है। तो 2 × 5 कर दें, तो 2 × 5 ये हो गया 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 × 5 10, ये हो गया, दो हिस्सों में टूट गया। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़े या घटाएं तो कितना प्राप्त होना चाहिए, -3 प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए तीन नियम हैं। पहला नियम, इन दोनों मानों को या तो प्लस प्लस के रूप में रखा जा सकता है। दूसरा नियम, दोनों मानों को ऋण ऋण के रूप में रखा जा सकता है। या तीसरा नियम, एक माइनस और एक प्लस के रूप में रखा जा सकता है। तो इन तीनों नियम में से किसी एक नियम इन दोनों मानों में लागू होगा। तो चलो देखते हैं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, दोनों में प्लस प्लस लगाता हूँ, ठीक है, तो प्लस प्लस में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, +2 + 5 = +7 प्राप्त हो रहा है। क्या यहाँ पे +7 आ रहा है, तो देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे -3 है, लेकिन यहाँ पे 7 आ रहे हैं, मतलब पहला नियम नहीं लगेगा। दूसरा नियम ट्राई करें तो -2, फिर यहाँ भी माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे -7 आ रहा है, क्या यहाँ पे -7 है, नहीं, यहाँ पे कितना है, -3 है, मतलब ये भी नियम नहीं लगेगा। अब यहाँ पे तीसरा नियम है, अब तीसरा नियम लगाना है हमें, तो हमें क्या करना है, इसमें से एक मान को प्लस एक मान को माइनस। तो अब ध्यान देते हैं कि एक मान कौन सा मान प्लस रहेगा और कौन सा मान माइनस रहेगा। तो आपको ये कहाँ से पता चलेगा, तो आपको ये यहाँ से पता चलेगा। देखो यहाँ पे क्या कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस लगा है। माइनस लगा है मतलब क्या है कि बड़ा संख्या माइनस में रहेगा और छोटा संख्या प्लस में रहेगा। तो छोटा संख्या क्या है, 2 है, तो ये प्लस में हो गया, और बड़ा संख्या क्या है, 5 है, तो ये रह गया माइनस में। घटाएंगे तो माइनस के साथ क्या हो जाएगा, बड़ा संख्या जो माइनस में है तो उसका चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ गया, -3। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 है, -3, इसके स्थान पे हम क्या रखेंगे, इस मान को हम रख सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आया, हर प्रश्न में ये नियम 3 जो है ना, तीनों नियम लागू होगा, तभी आप प्रश्नों को हल कर पाओगे। अगर इन तीनों में से अगर आपको नियम समझ में नहीं आएगा और या आप इस नियम का उपयोग नहीं करोगे तो प्रश्न आगे बनेगा ही नहीं। तो चलो अब आगे हल करते हैं, बाकी पहला और अंतिम जैसा है वैसा रखते हैं, बस हमें रखना किसको, बीच वाले हिस्से को। तो माइनस क्या है, 5 है, तो मैं यहाँ पे -5x लिख देता हूँ। यहाँ पे x इसके साथ जुड़ा हुआ है तो x यहाँ भी जुड़ जाएगा, ठीक है, +2, और x भी इसी का हिस्सा है, इसी को दो हिस्सों में तोड़े हैं, इसीलिए यहाँ पे x रहेगा, -10 = 0। जोड़ा बना दो, जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे देखो दोनों जोड़ों में से उभयनिष्ठ क्या निकल रहा है, इन दोनों में से, तो यहाँ पे दोनों में सेम राशि है x, x को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे 1x बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा। यहाँ पे क्या बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम 2 बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, 2 के पहाड़े में 5 भी आता है, 10 भी आता है, तो यहाँ पे बच गया x -5, 2 × 5 इसलिए 5 आया यहाँ पे। अब क्या निकल सकते हैं, तो देखो ये मान और ये मान दोनों सेम है, तो x -5 यहाँ से निकल गया और यहाँ से x +2। अब मूल मान निकाल लेते हैं, तो मूल मान कैसे निकालते हैं, एक बार इस पूरे मान को लेकर हल करेंगे और दूसरी बार इस मान को लेकर हल करेंगे। तो चलो इसको भी हल कर देते हैं, तो दो हिस्सों में बांट लेते हैं। यहाँ पे x -5 = 0 लेंगे, तो ये हो गया x और ये -5 इस साइड आके क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है, माइनस इस बार पक्षांतर होके +5 आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखो x +2 लेंगे = 0, तो x यहीं पे रहेगा, 2 को इस बार पक्षांतर कर देंगे, क्या हो जाएगा, -2। तो x के जो मूल मान है वो क्या क्या प्राप्त हुआ, x के एक मूल मान जो है 5 और दूसरा जो मूल मान है वो -2 प्राप्त हुआ, और यही हमें इस प्रश्न में
निकालना था। पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा हल करें। दूसरा प्रश्न है, 2x² + x - 6 = 0। इसमें भी हमें क्या करना है, सेम जैसा हमने पहले में किया वैसा ही, लेकिन यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो x² है, ठीक है, इसके आगे में क्या जुड़ा है, 2 इसके साथ गुणा के रूप में है। इससे पहले जो प्रश्न था उसमें गुणा के रूप में नहीं था, तो हमने उसे आसानी से हल कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 गुणा के रूप में है x² के साथ। तो हम क्या करेंगे, ये जो गुणा के रूप में है इसको हम अंतिम पद के साथ गुणा कर देंगे। तो 6 × 2 कितना हो गया, 6 × 2 करोगे तो 12 हो गया। अब ये समझो कि ये जो मान है ना, ये मान कितने के बराबर हो गया, 12 के बराबर हो गया। तो अब हम इस पद को तोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों को गुणा करने पे कितना आया, 12 आया मान लो। तो अब हम इस पद को तोड़ेंगे तो हमें उसे इस प्रकार से दो हिस्सों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर हमें वो मान 12 प्राप्त होना चाहिए और जोड़े या घटाने पर कितना प्राप्त होना चाहिए, एक्स। तो ये अगर मैं देखता हूँ, अगर इसको मैं ध्यान देते हुए दो हिस्सों में गुणा करता हूँ तो 4 × अगर मैं 3 करता हूँ तो 12 आ रहा है, 4 × 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। तो ये हो गया 12। अब यहाँ भी 3 नियम लागू होगा, कौन सा नियम है, एक प्लस प्लस, एक माइनस माइनस और एक माइनस और प्लस है, यही तीनों नियम में से एक नियम इसमें लागू होगा। चलो देखते हैं कौन सा नियम लागू हो रहा है। अगर मैं दोनों में प्लस लगा देता हूँ तो ये प्लस जुड़ के कितना होगा, प्लस 7। क्या यहाँ पे प्लस 7 है, नहीं है, मतलब पहला नियम नहीं लगेगा। दोनों में माइनस लगा दो तो ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस में जुड़ के क्या हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे माइनस 7 दिया है, नहीं दिया है, मतलब ये भी नियम नहीं लगेगा। अब देखते हैं तीसरा नियम, ये जो तीन नियम बता रहा हूँ ना, इनमें तीनों में से कोई एक नियम लगेगा ही लगेगा। अब तीसरा, दो नियम नहीं लगा मतलब ये तीसरा लगेगा ही लगेगा। तो देखो तीसरा अब लगाते हैं, कैसे लगेगा, देखो यहाँ पे क्या है, अब हमें दो नियम नहीं लगा लेकिन तीसरा लगाएंगे तो अब हमें यहाँ पे चिन्ह को देखना है। तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, प्लस में है, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि बड़ा संख्या जो है ना वो प्लस में रहेगा। यहाँ पे बड़ा संख्या कौन है, बड़ा संख्या 4, तो ये 4 जो है ये प्लस में आ गया, और 3 जो है उसके साथ क्या लगाएंगे, माइनस। देखो प्लस और माइनस लग गया दोनों में, घटा दो कितना आ गया, एक, यहाँ पे एक आ गया, मतलब घटाएंगे यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक है, मतलब ये नियम लगेगा। तो हमें क्या करना है, इस बीच वाले स्थान पे यहाँ पे ये मान को रखना है, तो रख दो। तो ये हो गया 2x² ये, और ये मान कभी भी बदलेगा नहीं, सिर्फ हमें यही हिस्से को तोड़ने के लिए ये पूरा ट्रिक हम लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान रख दो, तो ये हो गया +4, इसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो x भी रहेगा क्योंकि x इसके साथ जुड़ा हुआ है, -3x - 6 = 0, जोड़ा बना दो। अब यहाँ पे देखो दोनों जोड़ों में से क्या क्या निकल सकता है, इस जोड़े से 2 और x निकल गए क्योंकि 2 के पहाड़े में दोनों आता है, 2 एकम 2 चौक 2 दूनी 4 आता है। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे सिर्फ x बचा प्लस 2 बचा। फिर यहाँ पे देखो दोनों में माइनस है, माइनस निकाल लेते हैं, और यहाँ पे 3 के पहाड़े में 3 और 6 दोनों आता है, तो 3 को भी बाहर निकाल लिए, तो बचा क्या, x माइनस बाहर निकला है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो गया 2 = 0। अब क्या निकलेगा, x प्लस 2 और जो बचा है उसको दूसरे कोष्ठक में, 2x - 3 = 0। एक बार हम इस पूरे मान को लेकर 0 के साथ हल करेंगे, दूसरी बार इस मान को लेकर 0 के साथ हल करेंगे, इसको दो गुटों में बांट लेते हैं। तो ये हो गया x + 2 = 0, तो x = -2 आ गया। यहाँ पे एक मान निकल गया, x का जो मूल मान है वो -2 आया। दूसरे के लिए हल करते हैं, 2x - 3 = 0, तो 2x इस 3 को उस पर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 इसके साथ गुणा के रूप में है तो क्या होगा, तिरिया गुणा के रूप में अब नीचे में आ जाएगा, तो 3/2 हो गया। तो यहाँ पे दूसरा जो मूल मान आया वो 3/2 प्राप्त हुए। तो दोनों मूल मान यहाँ पे निकल गया दूसरे प्रश्न से। अब तीसरा प्रश्न को हल कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, करनी 2x² + 7x - 5 = 2 = 0। इसमें भी हमें क्या करना है, तो देखो यहाँ भी x के साथ क्या गुणा है, करनी 2 का गुणा है, तो करनी 2 और इस वाले पद मतलब पहला और अंतिम का हमें गुणा कर देना है। तो यहाँ पे 5 के साथ करनी 2 लगा है और गुणित करनी 2 का गुणा करेंगे, तो ये जो दोनों करनी है, करनी करनी क्या हो जाता है, गुणा होके दोनों करनी, मतलब ये आधा आधा है। अगर 2 को हम लिखें इस तरह से 2 का, तो ये दोनों का आधा हिस्सा है, ठीक है, 2 का आधा हिस्सा है, तो 2 का आधा हिस्सा है तो दोनों गुणा होकर क्या होगा, पूरा हिस्सा बन जाएगा, तो मतलब 5 × 2 = 10 आ गया। अब ये जो मान है बीच वाला 7x, उसको इस प्रकार से दो हिस्सों में तोड़ेंगे कि इन दोनों को तोड़ने पर
सात आना चाहिए और उन दोनों को गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो हम 10 को ध्यान में देते हुए हमें क्या करना है, पहले हम गुणा ही करते हैं। तो गुणा कर लो कि कितने कितने के पहाड़े में 10 आता है। तो 2 के पहाड़े में आता है 10 और 5 के पहाड़े में आता है। तो 2 के पहाड़े और 2 पंचे या 5 दूनी तो दोनों एक ही मतलब है। तो हम यहाँ पे 2 गुणित 5 लिख लेते हैं बराबर 10। यहाँ भी वही 3 नियम लागू होगा, प्लस प्लस, माइनस माइनस और माइनस और प्लस। देखते हैं इन तीनों में से कोई कौन सा नियम लागू हो रहा है। तो हमें क्या लाना है, 7 लाना है। सबसे पहले हम प्लस प्लस लगा के देखते हैं, प्लस और प्लस दोनों में लगाए तो कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ पे देखो प्लस 7 में आ रहा है, मतलब पहला ही नियम लागू हो रहा है। तो हम दोनों को लगा सकते हैं, प्लस 2 और प्लस 5 बराबर प्लस 7 आ गया। तो मतलब हम पहले नियम को यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हो गया करनी 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 करनी 2 बराबर 0। जोड़ा बना लो, यहां से क्या बाहर निकल सकता है इन दोनों में से, इन दोनों में से बाहर निकल सकता है करनी 2। पहले हम इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद आगे इसको और हल करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो यहां पे कितना है, करनी 2 है और यहां पे 2 है। तो पहले इसको थोड़ा सा तोड़ लो, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दो भागों में बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया, 5 को भी इसी तरह से लिख लो क्योंकि यहाँ, सॉरी 5 को नहीं लगेगा लिखना क्योंकि 5 पूरा पूरा है। ये हो गया 5 2 एक्स प्लस करनी ये 2 बराबर 0, ठीक है। थोड़ा सा जगह कम है इसलिए, चलो अब जोड़ा बना लो। अब यहाँ पे देखो दोनों में करनी है, करनी 2 है, मतलब करनी 2 बाहर निकल गया, एक्स भी है तो एक्स भी बाहर निकल गया। बचा क्या यहाँ पे, एक एक्स बचा है और यहाँ पे बचा है एक करनी 2 बचा है, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो दोनों में 5 है तो क्या हो गया, 5 बाहर निकल गया, बचा बचेगा क्या यहाँ पे, x बचेगा और करनी 2 बचेगा बराबर 0। यहाँ पे दोनों से x प्लस करनी 2 बाहर निकल गया और यहाँ पे क्या है, करनी 2 x प्लस 5 है, उसको दूसरे कोष्टक में लिख लेते हैं। यहाँ भी इसी तरह से करेंगे, एक बार इन इसको लेकर और दूसरी बार इन इसको लेकर हल करेंगे। तो दो खंडों में बांट लो इसको, पहले खंड में x प्लस करनी 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस करनी 2 आ गया, इसको माइनस लिखो यहाँ पे, ठीक है। x बराबर माइनस करनी 2 आ गया, एक मान निकल गया। इसी तरह से करनी 2 x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ पे करनी 2 x और ये 5 इस साइड लेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस 5 अपान करनी 2 आ गया, दूसरा मूल मान निकल गया ये और पहला मूल मान ये है, ठीक। समझ में आ गया, दोनों मूल मान निकल गए। आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। चौथा है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो नीचे हर में क्या है, इसके साथ 8 लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये नीचे का 8 को हटाएंगे, तो क्या करेंगे ऊपर में 8 का गुणा कर देंगे। तो 8 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 16x² माइनस 8 के साथ गुणा करेंगे तो 8x प्लस ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे में क्या है, 8 है, तो ये दोनों कट गया बराबर 0। तो ये आ गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, ये प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो 16 है ना, इसका गुणा और 1 का गुणा कर देंगे, पहले और अंतिम का गुणा कर दो। तो ये कितना आ गया, 16 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो मध्य वाला पद है उसको इस प्रकार से दो हिस्सों में तोड़ना है कि तोड़ने पे इसका जो मान होगा, मान है वो माइनस 8 आना चाहिए और गुणा करने पे दोनों का मान 16 आना चाहिए। तो वो संख्या क्या हो सकता है जिसे हम गुणा करेंगे, तो अगर मैं 4 × 4 करता हूँ तो 4 × 4 करने पर ही 16 आएगा। तो मतलब 4 × 4 जो संख्या है वो 16 आएगा, तो 4 × 4 ही आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 नियम लागू होगा, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। ये जो तीनों नियम है, इन तीनों नियमों में से कोई एक नियम लागू होगा। तो चलो देखते हैं कौन सा नियम लागू होगा। अगर मैं दोनों को प्लस प्लस लेता हूँ तो ये क्या होगा, प्लस 8 आ रहा है, तो क्या यहाँ पे प्लस 8 आया है, नहीं, यहाँ पे तो माइनस में आया है, मतलब पहला नियम नहीं लगेगा। अगर मैं दोनों में माइनस लेता हूँ तो माइनस और माइनस, माइनस 8 आएगा, क्या यहाँ पे माइनस 8 है, हाँ यहाँ पे माइनस 8 है, मतलब माइनस वाला जो नियम है वो यहाँ पे लगेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके स्थान पे ये वाले मान को रखना है पूरा। तो ये x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, जोड़ा बना लो। तो यहाँ पे देखो दोनों में उभयनिष्ठ क्या निकल सकता है, यहाँ पे 4 और x उभयनिष्ठ निकल गया, बचा क्या,
चार और एक्स बचा और यहाँ पे माइनस एक बचा। यहाँ पे माइनस को बाहर निकालते हैं और यहाँ पे और कुछ निकाल सकते हैं? नहीं, एक को कुछ नहीं मतलब एक निकलेगा। तो यहाँ पे माइनस बाहर निकले मतलब ये क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया चार एक्स, जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, प्लस जो है वो माइनस में, तो ये माइनस एक हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये माइनस में था तो प्लस हो गया कोष्टक के अंदर जाके, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों से निकल सकते हैं चार एक्स माइनस वन, और जो कोष्टक के बाहर है उसको लिख लेते हैं चार एक्स माइनस एक बराबर जीरो। अब फिर से हमें वैसे ही करना है, पहले एक बार इन दोनों को और दूसरी बार इन दोनों को लेकर हल करना है। तो दो भागों में बांट दो, चार एक्स माइनस एक बराबर जीरो, चार एक्स एक इस साइड आ गया तो प्लस हो गया, फिर यहाँ पे एक्स बस को रखो और एक चार को इस पार ला लेते हैं तो एक बटे चार हो जाएगा। सेम मान इसको भी हल करेंगे तो वही प्राप्त होगा, मतलब एक्स के जो दोनों मान है वो सेम टू सेम आएगा, तो क्या आएगा एक्स बराबर एक बटे चार, एक्स बराबर एक बटे चार आएगा। ठीक, उसको हल करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है सौ एक्स स्क्वायर माइनस बीस एक्स प्लस एक बराबर जीरो। क्या करेंगे इसमें भी, इसमें भी हमें वही करना है, इन दोनों को गुणा कर दो तो ये हो गया, गुणा करने पे सौ आएगा। अब इस सौ को इसे अब इस सौ को दो हिस्सों में तोड़ेंगे मतलब गुणा के रूप में, तो 20 को ध्यान में देते हुए तोड़ेंगे। ठीक है, तो 10 गुणी 10 अगर मैं करता हूँ तो कितना हो गया, 100 आ गया। अरे देखो 10 गुणी 10 करने पे 100 आ रहा है। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा चिन्ह लगाएं, मतलब नियम लगाएं कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा। दूसरा नियम, माइनस अगर माइनस दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा, तो मतलब माइनस 10 और ये माइनस 10 बराबर 20 आ गया। यहाँ पे रख देते हैं तो ये 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स माइनस 10 एक्स प्लस एक बराबर जीरो। जोड़ा बना लो, यहाँ पे 10 और x बाहर निकल गया, x माइनस 10 x और माइनस एक, ठीक है x माइनस एक बस बचेगा। यहाँ पे माइनस एक को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे जो चिन्ह है वो भी परिवर्तन हो जाएगा सेम पहले जैसा, तो ये क्या है, ये माइनस में मतलब ये प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया 10 एक्स, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है, अगर मैं यहाँ पे 10 एक्स को बाहर निकालूंगा तो बचेगा क्या, 10 और एक्स बचेगा ना, और यहाँ पे माइनस एक बस बचेगा। इसी तरह से माइनस एक को अगर मैं यहाँ पे बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 10 एक्स माइनस एक बराबर जीरो। ये हो गया 10 एक्स माइनस एक और ये हो गया 10 एक्स माइनस एक, यहाँ पे बराबर जीरो। 10 एक्स माइनस एक को पहले ले लेते हैं जीरो करके, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x, ये उस साइड जाके एक हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे x बस को रखेंगे तो क्या होगा, एक बटे 10 प्राप्त होगा। तो x के दोनों मान देखो दोनों सेम है, मतलब दूसरी बार भी हल करेंगे तो हमें यही मान प्राप्त होगा। तो x के जो दोनों मूल मान है वो एक बटे 10 और एक बटे 10 होगा। ठीक, समझ में आ गया। इस तरह से पांच प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, इसी में प्रश्न क्रमांक यहाँ पे अब दूसरा पे आते हैं। तो दूसरा प्रश्न है उदाहरण एक में दी गई समस्या को हल कीजिए। उदाहरण एक क्या है, तो देखो मैं यहाँ पे आपको उदाहरण एक दिखा रहा हूँ। देखो ये उदाहरण एक है, उदाहरण एक में दो प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न में जहाँ पे इन्होंने स्टाप किया है, तो स्टाप किया है तो वहाँ पे देखो दो द्विघात समीकरण है, यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है। और दूसरा प्रश्न में थोड़े से नीचे आते हैं तो देखो दूसरा को भी हल करते हैं तो यहाँ पे एक और समीकरण निकल रहा है, मतलब दो समीकरण है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों समीकरण जो दिखाई दे रहे हैं ना, इन दोनों समीकरणों को हल करके किस किस विधि से हल करना है, आपको गुणनखंड विधि से हल करना है, और इसी तरह से x के दो मूल मान निकालना है। तो अब आपको समझ में आ गया क्या करना है इसका, x के दो मूल मान जो अभी हमने निकाला है सेम टू सेम आपको निकालना है। तो ये प्रश्न क्रमांक दूसरा है, इसको आप बना लेना, जहां से छूटा है वहीं से मैं बता रहा हूं, ठीक है, वहीं से आपको बनाना है। क्या बनाना है, गुणनखंड इसका निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक, इसके बाद बाकी जो प्रश्न बचे हैं उनको हम लोग सेकेंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे।